मम्मा आप इसमें से तेल क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ज्यादा तेल डालने कढ़ाई में डालने की वजह से हमारा पुआ सही नहीं बन रहा है। इस वजह से हम लोग तेल निकाल रहे हैं, तेल को निकाल के उसके बाद फिर हम ट्राई करते हैं कैसा बनता है। मेरा तो दो दो बार पुआ देख सकते, दो दो बार हमारा खराब हो गया, बेकार सा बन गया। इस वजह से मैं फिर ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, कि किस तरह से फिर जैसे कम तेल डालेंगे किस तरह से मेरा पुआ बनेगा अच्छे से बने। हाँ अच्छे से ही बनाऊंगी, अब देखती फिर ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरा बेकार सा हो गया है, एकदम गंदा सा लग रहा है मेरा सारा। कम रहेगा ना तो देखते हैं अच्छा बनेगा। बेकार इतना डाल के मैं हो रहा है मेरे ऊपर इसका। अब डालती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। ये मोटा तेल नहीं है, एक बार फिर ट्राई करती हूँ कैसा बने। अच्छे से बनाना पर अच्छे ओके से मम्मा हुँ? ओके हाँ, चलो डालो। अच्छी तरह ये बना यार, बनने तो दे इसे उसके बाद बताऊंगी हाँ। तेरे को मैं तो अपनी तरह से ये बन जाए अच्छा ट्राई कर रही हूँ। मेरे को पहले भी दिमाग में आ रहा था कि जब लगता है मैं ज्यादा तेल डालती हूँ इस वजह से मेरा पुआ मतलब वो हो गया, एकदम वो लगता है गुलगुला है। उधर आगे पीछे का सर पीछे पीछे लग रहा था कि बड़ा बड़ा गुलगुला में बनाई हूँ नहीं लग रहा है बड़ा बड़ा गुलगुला है नहीं अब देखते हैं तीसरा देखते हैं तीसरा कैसा बनता है। तीसरा लग रहा है थोड़ा सा सुधार आया है, आपको तो जरूर अभी दिखाऊंगी, आप देखते रहिए हमें। ओ सॉरी, वाह ये सही बना। यस यस यस, लाइक जरूर करिएगा हमारे वीडियो को, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हमारे पास भी हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। और ये देखिए, ये तो मैं दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, ये तो गुलगुले की तरह बना है, ये देखिए ये गुलगुले बड़े बड़े गुलगुले बना है ये देखिए। लेकिन ये वो वाला जो पुआ बनाई है मालपुआ, ये मालपुआ थोड़ा ठीक बना है। जरूर आप हमारे लाइन बने रहिए। और वजह दो था, थोड़ा पीछे जाके चल, हाँ ठीक है। बजा दो था, एक बजे एक नंबर बजे में आपको बताती हूँ कि एक बजे वो है कि ज़्यादा तेल डल गया मेरे से। दूसरा वजह ये है कि इस ये पतला रहना चाहिए, ये चीज़ है ना, ये जो घोला घोली हूँ जो ड्राई फ्रूट मैदा चीनी सूजी जो है ना, इसको ये थोड़ा पतला रहना चाहिए, उसके बाद पुआ सही बनता है, ठीक है। मोटा रहेगा तो आप भी ट्राई करेंगे ना, जैसे बना रहे हैं आप तो थोड़ा पतला रखिएगा, ठीक। पतला रखिएगा तब पसरेगा, तब पतला सही बनेगा, समझिए। मोटा मोटा जैसे रहेगा तो ये देखिए क्या हाल है देखो क्या हाल हो गया ये काले से भी बना, काले से भी हो गया और वो बन गया ना, क्या कहते हैं, खाना नहीं अभी, ठीक है। अभी पानी घुमाएंगे इसको, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद खाना एकदम डालना नहीं। देखिए तीसरा मैं मालपुआ आपको मैं जरूर दिखाऊंगी, ये तो बहुत अच्छा बना है, आपको दिखाती हूँ। क्योंकि पिछले साल जो बनाई थी इसी तरह मेरा बन गया था, क्योंकि ज़्यादा तेल था, ज़्यादा तेल में ये जो घोली हूँ जो सारा मसाला ये डाली थी तो इसी तरह सा गुलगुला बड़े बड़े से बन गया था, ठीक है। जब मैं सारे तेल निकाली, थोड़ा सा तेल बचा, उसके बाद मैंने ये फिर दोबारा जैसे मैं कढ़ाई करी इस तरह से बनाई थी, अच्छा बना था। इस बार भी उसी हाल हुआ, वही हाल करी। अब देखते हैं इनका तीसरा पुआ,
अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो हम भेज देंगे। क्यों? ठीक है, भेज देंगे। आगे बोला ये आ गया हमारा तीसरा। इसको हम गार तेल इसमें ज्यादा लग जाता है, इसलिए हम इसको गार गार के निकालेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी जरूर। देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा ये पुआ बना है। ये मलपुआ का आंख समझ लो, ये दोनों क्यों देख रहा है। चौथा देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा पुआ बना है। देखिए अच्छा बना ना ये, कमेंट करिएगा। देखिए ये अच्छा बना है, इसके आंख भी बने, इसका आंख अच्छा ही बना है, पुआ का आंख है। देखिए ये आंख है दोनों, और ये फेस है। ये आंख दोनों, ये फेस है। ये अच्छा बना, फिर ये भी अच्छे बनेंगे। आपको नजदीक करके पहुंच कर दो, देखिए आपको पॉज करके दिखा रही हूँ। ये भी अच्छा बनेगा, कितना अच्छा कलर लग रहा था, लग रहा है, सॉरी लग रहा है। देखिए ये भी अच्छे बनेंगे। ये थोड़ा सा मैंने इसको पतला करी थी, ठीक है, फिर उसके बाद ये सही बन रहा है। ये तेल इतना मैं निकाली हूँ, देखिए। और ये मलपुआ मेरा, ये दोनों आँख है, ये फेस है मलपुआ का, ठीक है। ये देखिए ये भी अच्छे बनेंगे, आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देखिए हम अभी से उल्टा रहे हैं, किस तरह उल्टे को। वाओ ये भी बहुत अच्छे बना है, देख सकते हैं आप। एक मिनट में आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये भी अच्छा बना है ना, देखिए। क्योंकि आप लोग भी मालपुआ बना रहे हैं आज के दिन, तो आप लोग भी थोड़ा सा तेल कम डालिएगा, ठीक है। ज्यादा तेल, जैसे ज्यादा तेल आप डालेंगे ना कढ़ाई में, तो आपके पुआ इस तरह बन जाएगा। देखिए ये कान की तरह बन जाएगा, ठीक है। और अब पतला ये होना चाहिए, मलपुआ जो होता है ना, ये घोले हो, जो घोली जो है ना ये वाला, इसको ना थोड़ा सा आप इसको पतला रहना चाहिए। पतला रहेगा इस तरह से, देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा नज़दीक करके। इस तरह से थोड़ा पतला रहेगा फिर बनेगा, मोटा रहेगा घोला हुआ तो मुश्किल है, अच्छा ही नहीं बनेगी, ठीक है। और ये देखिए मेरा ये बहुत अच्छे मतलब पक रहा है, ब्राउन होगा उसके बाद निकालेंगे इसे।